भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की भूमिका 1857 से 1947 तक। प्रोफेसर जफर अहमद निज़ामी की यहाँ खंड एक जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें जो प्रस्तावना लिखी है, ये प्रस्तावना जो है वो जफर अहमद निज़ामी साहब ने 2009 में लिखी है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भी पहले दिल्ली देश की राजधानी थी। कुछ थोड़ी सी अवधि के लिए यह राजधानी अन्य नगरों में विस्थापित हुई, किंतु देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का गढ़ होने की इसकी स्थिति कभी समाप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, दिल्ली ज्ञानियों एवं बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा व आकर्षण का एक स्रोत बनी रही, क्योंकि यहाँ समय के महान आलिम, सुधारक एवं मार्गदर्शक शाह वली उल्लाह तथा उनके पुत्र व शिष्य मौजूद थे। शाह वली उल्लाह स्कूल की पहचान भारत के सभी क्षेत्रों में उलेमा के लिए एक प्रेरणा सूत्र बनी रही। माधवराव सिंधिया कहने को दिल्ली का शासक था, पर मुस्लिम समुदाय से उसकी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा किया, तो शाह वली उल्लाह ने उनके खिलाफ फतवा देने में देर नहीं लगाई। यही वह शक्तिशाली हिला देने वाली सोच थी जो अंततः 18 मई 1857 को दिल्ली में महाउपद्रव का कारण बनी। मेरिट के सिपाहियों ने निस्संदेह इस आग को सुलगाया, लेकिन यह लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी और हारी। दिल्ली के लोगों, पुरुषों व महिलाओं, वृद्धों, युवाओं, हिंदुओं और मुसलमानों ने मुगलों के अंतर्गत एक संपूर्ण स्वतंत्रता की आस में मिलकर ब्रिटिश राज्य को चुनौती दी। दिल्ली के लोग ब्रिटिश सरकार से अकेले ही नहीं लड़े, आसपास के नगरों में बगावत करने वाले सिपाहियों का समर्थन उन्हें प्राप्त था, जो ब्रिटिश अधिकारियों को मारने, खजाना लूटने तथा कैदियों को छुड़ाने के बाद दिल्ली की तरफ कुछ करने लगे। दिल्ली चलो उनका नारा था। दिल्ली कुछ करने वाले इन सिपाहियों में के साथ एक बड़ी संख्या में नागरिक, विशेष रूप से छात्र तथा अध्यापक शामिल थे। सीमित साधनों के बावजूद दिल्ली वालों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। दिल्ली के बहादुर देश प्रेमियों ने अति अल्प साधनों के बावजूद शहर में मोर्चे संभाल लिए। ब्रिटिश सरकार की मुख्य रणनीति यह थी कि दिल्ली की भारतीय फौजों को चित कर दे तो बाकी लोग एवं ही आत्मसमर्पण कर देंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सारे साधनों व शक्तियों को सक्रिय कर दिया। नेपाल से गोरखाओं को तथा पश्चिमी भारत से सिखों और पठानों को बुला लिया और दिल्ली के विरुद्ध खड़ा कर दिया। दिल्ली के लोग बड़ी वीरता से लड़े तथा उन्हें सुरक्षा घेरे पर ही लंबे समय तक रोके रखा, किंतु दिल्ली की फौज और जनता खाली पेट तथा गोलियों से खाली बंदूकों के साथ एक भारी भरकम सेना से कब तक लड़ सकती थी। वह अंतिम सांस तक लड़ती रही और सबके सब ने सीनों पर गोलियां खाकर गौरवशाली देश प्रेमियों की तरह वीरगति पाई। विजय ब्रिटिश सेना ने फिर दिल्ली में आतंक का यहां एक बाजार गर्म कर दिया। सेनापति अथवा उनके सहायकों के आदेश पर हजारों सिपाही एवं आम नागरिक मार दिए गए। इनमें बड़ी संख्या शस्त्रहीन नागरिकों की थी, जो सड़कों, गलियों, मोहल्लों तथा अपने घरों में मारे गए। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में मौजूद प्रेस लिस्ट ऑफ म्यूनिटी पेपर्स 1857 में उन लोगों की पहचान होती है जिन्होंने दिल्ली में हुई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में हर पहलू से सक्रिय रूप में भाग लिया। यह प्रेस लिस्ट, जिसका इस्तेमाल शोधकर्ता पूरी तरह से अभी तक नहीं कर सके हैं, जो बिंदु दर्शाती है वह यह है। राजा के दरबार में विभिन्न पदों पर आसीन हिंदू और मुसलमानों के नाम, दिल्ली में तैनात ब्रिटिश सेना के विद्रोही सिपाहियों की सूची
उनके तैनाती स्थल के नामों के साथ मुगल महाराजा की कमान में अंग्रेजों से लड़ने के लिए पंजाब कोहाट ग्वालियर टोक तथा अन्य स्थानों से दिल्ली आए अधिकारियों व जवानों की सूची, सिपाहियों तथा उनके वेतन विवरण की सूची, दिल्ली नसीराबाद तथा अन्य स्थानों की तोपखाना रेजिमेंट की सूची, सैनिक अस्पताल के डॉक्टर सर्जनों नर्सों एवं वहां दाखिल मरीजों तथा डिस्चार्ज किए गए रोगियों की सूची, कबाड़ियों भिश्तियों शिल्पकारों राजगीरों तथा अन्य दिहाड़ी मजदूरों जैसे कुलियों व कहारों आदि की सूची, दिल्ली के बैंकरों दुकानदारों व्यापारियों तथा महत्वपूर्ण मुसलमानों व हिंदुओं की सूची, लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों के नामों की गिनती के अतिरिक्त इस प्रेस लिस्ट में वर्णित हजारों दस्तावेज इस संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इन प्रलेखों में को क्रमवार संकलित करने, इनका अनुवाद कराने तथा इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण के लिए संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि युवा शोधकर्ता इस काम को गंभीरतापूर्वक लेंगे। राजनीतिक सत्ता के पतन तथा मुसलमानों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र की बौद्धिक प्रतिक्रिया देवबंद तथा अलीगढ़ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के रूप में हुई। दोनों ही संस्थाएं किसी न किसी रूप में दिल्ली से ही संबंधित थी। अलीगढ़ सर सैयद की वजह से कि वह वास्तविक रूप में दिल्ली के ही रहने वाले थे तथा देवबंद इसलिए कि उसके संस्थापकों का संबंध दिल्ली के शाह वली उल्लाह स्कूल से था। बहरुद्दीन तैयब जी तथा रहमतुल्लाह मोहम्मद सायानी जिसका संबंध नेशनल इंडियन कांग्रेस से था चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय मुख्य धारा में रहे। देवबंद ने कांग्रेस का समर्थन किया जबकि अलीगढ़ ने इसका विरोध किया। अन्य राजनीतिक दलों की तरह मुस्लिम लीग का भी एक इतिहास है। हकीम अजमल खान सरीखे राष्ट्रीय नेता इसके संस्थाओं से एक थे। लीग के पास अपने विचार मंथन के मार्गदर्शन के लिए एक प्रबुद्ध नेतृत्व था। 1911 के बाद कांग्रेस अथवा मुस्लिम लीग से जुड़े दिल्ली के मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों तथा हिंदुओं का एक सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसमें 60 हिंदू तथा 40 मुसलमान नेताओं ने भाग लिया। मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल में मौलाना मोहम्मद अली तथा हकीम अजमल खां जैसे दिल्ली के मुस्लिम नेता शामिल थे। लखनऊ समझौते में भी दिल्ली के मुस्लिम नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छी बात यह थी कि मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही तिथि में तथा एक ही जगह पर आयोजित होते थे। 1917 के मुंबई में लीग काउंसिल तथा कांग्रेस कमेटी की पारंपरिक भेंट हुई। उन्होंने भारत को स्वराज प्रदान करने का एक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। यह गठबंधन इतना मजबूत था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने रोवल्टन बिल की स्वीकृति के विरोध में 18 मार्च 1919 को त्याग पत्र दे दिया। साइमन आयोग का कांग्रेस ने हर स्थिति में एवं हर रूप में बहिष्कार किया। इस मुद्दे पर खिलाफत कमेटी एवं जमील अतुल उलेमा ने कांग्रेस का साथ दिया। यह काम मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक बड़े धड़े ने किया। बी पत्था भी सत्ता रमैया ने ठीक ही टिप्पणी की है कि इस बहिष्कार का आह्वान करने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उदारवादी वर्ग तथा मुसलमान अधिक जोर लगाए हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बन जाने के बाद दिल्ली ने ही देश को राजनीतिक नेतृत्व उपलब्ध कराया। हसरत मोहानी वह पहले व्यक्ति थे जो स्वराज्य के लिए 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन के एक प्रस्ताव ले आए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया। दिल्ली को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई कि चेन्नई अधिवेशन में स्वराज्य का यह प्रस्ताव
दिल्ली के नेता डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में पारित हो गया। यह डॉक्टर अंसारी ही थे जिन्होंने स्वराज्य के संविधान लेखन की प्रक्रिया का संचालन अन्य दलों के सहयोग से बड़ी बुद्धिमत्ता से किया था। निसंदेह ऐसे बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता जिन्होंने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों में असाधारण भूमिका निभाई दिल्ली के रहने वाले थे। वे लोग इसमें इसलिए भी सक्षम थे कि दिल्ली में उनका जनाधार था। दिल्ली के मुसलमान जिस तरह 1857 में अंतिम मुगल शासक के साथ आज़ादी की लड़ाई में उठ खड़े हुए थे, इसी तरह उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का साथ दिया। 1857 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमान की पहली बड़ी भागीदारी रॉयल्टन एक्ट 1919 के विरोधी अभियान में हुई। बहुत से मुसलमान एवं हिंदू गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में मारे जाने वाले लोगों में अब्दुल गनी तथा शबराती खां भी थे। दिल्ली में 1857 से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एकता की रीति रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह अभियान के समय अति सशक्त रूप में व्यक्त हुई। स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के अवसर पर निमंत्रित किया गया और उन्हें जामा मस्जिद के उस चबूतरे पर बिठाया गया जिस पर उससे पहले कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठा था। दिल्ली में मुसलमानों के सभी वर्ग असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नागरिक अवमानना अभियान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भारत छोड़ो अभियान अथवा किसी भी अन्य ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल रहे। अनुपातित रूप से मुसलमानों की भागीदारी अन्य दिल्लीवासियों की अपेक्षा अधिक ही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी के शुद्ध आंकड़े भारतीय अथवा विदेशी इतिहासकारों तक नहीं पहुँचे हैं। विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों का भी मानना है कि असहयोग आंदोलन को बहुत से क्षेत्रों में एक जन आंदोलन का रूप मुसलमानों की भागीदारी से मिला। कुछ स्थानों पर तो गिरफ्तार किए गए लोगों में 2/3 मुसलमान ही थे। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि जब सांप्रदायिकता ने पैर फैलाना शुरू कर दिया, यह अत्यधिक सकारात्मक रूपवाद के वर्षों में ही दोहराया गया। विपिन चंद्र का यह विचार दिल्ली में के मामलों में सही नहीं है। 11 अगस्त 1942 को दिल्ली के देश प्रेमियों ने 14 सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों तथा म्यूनिसपालिटियों व चुंगियों पर हमले किए जिसमें 1283 लोग गिरफ्तार हुए तथा जेल में डाले गए। इन देश प्रेमियों में 63.5% मुसलमान थे, जो कि अनुपातित रूप से बहुत बड़ी भागीदारी है। दिल्ली के मुसलमान इंडियन नेशनल आर्मी में भी थे। उनमें से बहुत से लोग भारत के बाहर कार्रवाई में भी मारे गए। यह दिल्ली ही थी जहां मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव पास होने के बाद सारे देश के राष्ट्रवादी मुसलमान दो कौमी परिकल्पना की निंदा करने तथा भारत के लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष भविष्य की मांग करने के लिए जमा हुए। चुनांची हम भी देखते हैं कि दो कौमी परिकल्पना का विरोध करने वाले उलेमा तथा शिक्षित उच्च तथा मध्यम वर्गीय मुसलमानों का दिल्ली में के लोगों में अप्रैल 1940 में जोरदार स्वागत किया। स्वतंत्रता के संघर्ष में इससे भी अधिक भावुक रूप से सहभागिता निम्न मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के मुसलमान की थी। उदाहरण के तौर पर जिन मुसलमानों ने 11 अगस्त 1942 को सरकारी कार्यालय पर हमला किया, वे दूध बेचने वाले, कबाड़ी माली, भट्टा मजदूर, फल विक्रेता, मोटर ड्राइवर, साइकिल मैकेनिक, गाड़ी बान तथा पेंटर आदि थे। दिल्ली के मुसलमान पाकिस्तान के मुद्दे पर बटे हुए थे। मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन भी 1946 में दिल्ली में ही हुआ था। इस लेजिस्लेटर कन्वेंशन में ही एक स्वशासित राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी, जबकि 1940 के प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव में केवल स्वतंत्रता राज्यों के गठन की बात की गई थी, जिसमें गठित इकाइयां स्वायत्ता प्राप्त तथा स्वशासित हों। यह लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन दिल्ली में केवल इस लिए नहीं हुआ कि यह राजधानी थी, बल्कि यहाँ इसके समर्थन में थे। यह बात मस्तिष्क में रहने की है कि दिल्ली में लीग के समर्थन का आकार 1940 से 1927 में राष्ट्रवादी मुसलमानों को प्राप्त
समर्थन के आकार से कहीं अधिक था। 40 के दशक में मुसलमानों के मस्तिष्क में आए इस बदलाव को समझने के लिए गंभीरतापूर्वक जांच एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता का चिट्ठा बहुत से अभिलेखीय रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इस संबंध में प्रकाशित हो चुके शोध कार्यों में फूलचंद जैन की 11 खंडों में स्वतंत्रता सेनानी हिंदी बहुत विस्तृत है। इसका चौथा खंड विशेष रूप से दिल्ली के देश प्रेमियों से ही संबंधित है। इन खंडों से पता चलता है कि पुलिस फायरिंग में मारे गए या घायल हुए तथा जेल में डाले गए लोगों में मुसलमान की संख्या बहुत अधिक थी। इस तरह का एक अन्य शोध कार्य उर्दू में सैयद इब्राहिम फिक्री की किताब हिंदुस्तानी मुसलमानों का जंग ए आज़ादी में हिस्सा है, जिसके भी कुछ भाग विशेष रूप से दिल्ली में मुसलमानों के बारे में हैं। प्रस्तुत अध्ययन स्वतंत्रता आंदोलन तथा विभाजित के बारे में 21वीं सदी के पाठकों की जिज्ञासा के संतुष्ट करने के लिए मुद्दों को उठाने का एक शालीन प्रयास है। सरकार तथा बड़े राजनीतिक दलों द्वारा तमाम बड़े फैसले दिल्ली में ही लिए गए। अतः 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमान की भूमिका की इस खंड श्रृंखला में दिल्ली से अधिक संबंधित खंड के का कैनवास काफ़ी व्यापक है तथा इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य मुद्दे लिए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए दिल्ली में मुसलमानों की भूमिका का समापन अपेंडिक्स में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची के लिए के साथ दिया गया है। अपेंडिक्स ए में दिल्ली के उन मुसलमान देशप्रेमियों की सूची दी गई है जिन्हें निम्न मामलों में या तो मौत की सजा दी गई या आजीवन कारावास दिया गया। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857-58, रोल्ट एक्ट विरोधी आंदोलन, खिलाफत संयोग असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, नागरिकता अवमानना आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इस सूची में दिल्ली के आसपास के देश प्रेमियों के नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे यहाँ क्षेत्र ब्रिटिश मिलिट्री कमीशन अथवा उसके सहायकों के अधीन ही थे। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों की अन्य सूचियों में भी दिल्ली तथा अन्य स्थानों के उन मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो दिल्ली में निवास करते थे, दिल्ली में गिरफ्तार किए गए या यहाँ जेल काटे। यह सूचियाँ इब्राहिम फकरी तथा फूलचंद जैन द्वारा जेल तथा पुलिस का तथा अन्य अभिलेखीय रिकॉर्ड से तैयार की गई है। उनके द्वारा किए गए काम को ही लेखक ने उपयोग लिया है। अपेंडिक्स बी में भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। उनमें से कुछ दिल्ली के वे लोग हो सकते हैं जो पुलिस फायरिंग में मारे गए या घायल हुए तथा अस्पताल अथवा जेल में उनकी मौत हुई। अपेंडिक्स सी में बी की तरह मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के भारत भर के आंकड़े दिए गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत या भारत के बाहर अपनी जाने गंवाई। अपेंडिक्स सी इस बात को भी दर्शाता है कि मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस के साथ उसकी स्थापना के समय से ही था। अहिंसा का नारा दक्षिण अफ्रीका में एक मुसलमान ने ही दिया था तथा INA का जय हिंद का नारा भी एक मुसलमान द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। जफर अहमद निज़ामी, नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2009। थैंक यू प्रवीण जेठेवाड़।